नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जीआर चौधरी, फिर आपके लिए राजस्थान के ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आज से पहले के जो वीडियो था, उससे पहले के वीडियो में हमने राजस्थान की पश्चिमी सीमा की हमने चर्चा की थी, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन की। इधर और उधर पाकिस्तान और राजस्थान दोनों की हमने चर्चा की थी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे घूमते हुए हम राजस्थान और गुजरात बॉर्डर की यात्रा हम करने वाले। तो देखो, राजस्थान और गुजरात बॉर्डर की क्या हालचाल है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखोगे तो कल हमने यहां से, ध्यानपूर्वक देखना आप, यहां से यहां तक की चर्चा की थी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहां से लेकर ये जो बांसवाड़ा तक का जो है वहां तक आपकी चर्चा होगी। तो ध्यानपूर्वक समझना, यहां तक हम चर्चा आज करने वाले हैं। यहां से ये है गुजरात बॉर्डर, इस तरफ जो पड़ता है वो है गुजरात। तो देखो, मैं बार बार कहता हूं आपसे कि जब भी आप राजस्थान की ज्योग्राफी समझो तो आपको ट्रिक वाले वीडियो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ट्रिक से नहीं है, अपने को बाई मैप समझना है। आप सबको पता है कि यहां देखो आपका बाड़मेर आ रहा है, ये है बाड़मेर जिसका बॉर्डर ये है, ये बाड़मेर पड़ता है, ये जालोर पड़ता है, ये सिरोही है, ये उदयपुर का है, और ये डूंगरपुर है, और ये बांसवाड़ा है। तो मैं सबसे पहले समझा दूं कि राजस्थान का जो बॉर्डर गुजरात के साथ साझा करते हैं उसमें कुछ जिले हैं, वो क्रम से याद रखना। पहला जो है वो है बाड़मेर, सबसे छोटा जो सीमा लगती है बाड़मेर की लगती है गुजरात से, सबसे छोटी मात्र 14 किलोमीटर के लगभग, 14 किलोमीटर बाड़मेर की सीमा लगती है। उसके बाद में जालोर है, वो दूसरे नंबर पे है जालोर। उसके बाद में ये जो बॉर्डर है गुजरात का वो आता है सिरोही, तीसरे नंबर पे पड़ती है सिरोही। ये याद होना चाहिए, फॉर्मूला बना लो चेक, लेकिन सही नहीं मानता फॉर्मूलों को मैं। सिरोही चार नंबर पे है उदयपुर, और पांच नंबर पे है डूंगरपुर, और छह नंबर पे है बांसवाड़ा आपका। तो इस प्रकार देखोगे आप तो छह जो जिले हैं राजस्थान के, जो छह जिले हैं वो गुजरात बॉर्डर को टच करते हैं। पहला बाड़मेर, दूसरा जालोर, तीसरा सिरोही, चौथा उदयपुर, पांचवा डूंगरपुर, छठा बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा तक छह जो जिले हैं इसमें सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है आपकी बाड़मेर की, और सबसे ज्यादा जो सीमा है वो उदयपुर की। यहां मैप देखोगे तो बाड़मेर में, बाड़मेर का जो क्षेत्र है, ये मैंने देखो पूरा बाड़मेर लगा रखा है यहाँ। बाड़मेर का आपको कल मैंने पढ़ाया था कि यहाँ तक जो सीमा थी वो पाकिस्तान की थी, तो ये इतना सा क्षेत्र बाड़मेर का लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ ध्यानपूर्वक समझना, बाड़मेर की केवल 14 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके बाद में सबसे ज्यादा की बात करूं तो सबसे ज्यादा है उदयपुर। देखो उदयपुर में आप देखोगे तो यहाँ घुमाव बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी बॉर्डर की लंबाई सबसे ज्यादा है। तो पहला सवाल जो बनता है, सबसे कम सीमा जो गुजरात की लगती है वो लगती है बाड़मेर से, और सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो है उदयपुर की। टोटल जिलों की संख्या टोटल जिलों की संख्या की बात करें तो वो संख्या है छह जिले जो है वो राजस्थान के गुजरात बॉर्डर पर लगते हैं। अब आपको याद भी नहीं रहे हैं तो एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, कई जगह यूट्यूब पे आपको क्लासें मिलेगी, अलग अलग फॉर्मूला मिलेगा। बाबा उसी डूंगर पे जाए, देखो एक ट्रिक बना रखी है लोगों ने, आपको याद करना ठीक है, नहीं तो मत करना। बाबा उसी डूंगर पे जा, बाबा उसी डूंगर पे जा, ठीक है। अब देखो इसमें पता चल रहा है बाका मतलब बाड़मेर, फिर बाका मतलब देखो यहाँ आपका देखो बाड़मेर आ रहा है, दूसरा जो आ रहा है डूंगरपुर, देखो डूंगर का लिख दिया मैंने, डूंगरपुर लिख दिया, बाका बांसवाड़ा लिख दिया, उसी का मतलब ऊ का मतलब क्या उदयपुर, सी का मतलब है सिरोही, डूंगर का डूंगरपुर है, और जा का है जालोर। तो इस प्रकार देखो देखोगे बा बा दो भागे, उसी ऊ सी, उसी का मतलब उदयपुर और सिरोही, डूंगर का मतलब डूंगरपुर, दो दो चार एक पांच, और जा का मतलब जालोर। तो फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, बाकी फॉर्मूला से बात नहीं बैठेगी, इस मैप को आपको समझना है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये छह जो जिले हैं वो राजस्थान के लगते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन सबसे जो मोस्ट मैं कलेक्ट करके लाया हूं आपके लिए वो ये है कि जो राजस्थान का ये गुजरात
क्षेत्र है। तो अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि गुजरात के कौन कौन से जिले, गुजरात के कौन कौन से जिले हैं वो राजस्थान से टच करते हैं। कई बार सवाल आया हुआ, पिछली बार आरपीसी ने एक सवाल पूछा था कि साबरकांठा जो जिला है वो किस जिले से टच करता है, तो इस प्रकार के सवाल भी आजकल पूछे जाने लगे, तो उसको ध्यान से समझना। तो गुजरात के जिलों की बात करूं तो मैंने बताया राजस्थान की बात की तो 6 जिले थे, तो उधर गुजरात में भी बराबर 6 जिले जो है वो राजस्थान के बॉर्डर पे है। ध्यानपूर्वक समझना, यहां कितने जिले हैं, 6 जिले। पहला जो जिला आता है वो आता है कच्छ, कच्छ जिला है वो टच करता है। दूसरा जो जिला है वो याद रखना बनासकांठा, याद करवाऊंगा मैं बनासकांठा। तीसरा जो जिला है वो है साबरकांठा। चौथा जो जिला है वो है अरावली, अरावली। पांचवा है माही सागर और छठा है दाहोद, दाहोद। ये जो 6 जिले हैं, ये 6 जिले आपको याद रखना है। गुजरात के कितने जिले टच करते हैं, 6। कच्छ जो कि सबसे बड़ा जिला है भारत का, सबसे बड़े जिलों में से एक है, गुजरात का सबसे बड़ा है, भारत का भी सबसे बड़ा जिला है कच्छ, तो कच्छ जिला आता है। दूसरा बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माही सागर और दाऊद, ये 5 जिले और हैं। इनको याद रखने का सीधा तरीका है कि अरावली एक पर्वतमाला है, अरावली। अब अरावली पर्वतमाला से कुछ नदियां निकालता हूं मैं। एक नदी निकलती है आपको बनास, जिसकी चर्चा की थी हमने। एक निकलती है माही, एक निकलती है साबरमती। ये 3 नदियां अरावली से निकलती है, साबरमती। तो अरावली पर्वतमाला याद रख ली, 3 नदियां बनास, माही और साबरमती। इसके अलावा कच्छ जो जिला है आपको लूणी नदी में मैंने पढ़ाया था कच्छ, और लास्ट का जो जिला है दाऊद। ये 6 जो जिले हैं वो गुजरात के हैं। लेकिन इसके अलावा भी यदि सवाल डीपली पूछा जाए तो ध्यानपूर्वक समझना आप, ध्यानपूर्वक क्या समझोगे आप कि किस किस जिले से कौन सा जिला लगता है। तो यहां देखना आप, ये आपका जालौर है, तो ध्यानपूर्वक समझना, जालौर से लगता है कच्छ का क्षेत्र। देखो एक एक डायग्राम बनाता हूं। जालौर जो जिला है अपना राजस्थान का, उससे गुजरात का, ये राजस्थान के है, राजस्थान के, और इधर मैं लिख रहा हूं गुजरात के, गुजरात। ध्यानपूर्वक समझना इसको। तो जो बाड़मेर से स्टार्ट करेंगे हम, तो बाड़मेर का देखेंगे, तो बाड़मेर जो सबसे पहला जो जिला आता है बाड़मेर, तो बाड़मेर के जो टच होने वाला जिला है वो एकमात्र है कच्छ, क्योंकि केवल 14 किलोमीटर लगती है और 14 किलोमीटर में कच्छ का क्षेत्र आता है। दूसरे जिले की बात मैं करूं तो दूसरा जिला आता है जालौर। ध्यानपूर्वक देखना, दूसरा जो जिला आता है जालौर, लिख लेना। अब जालौर का मैप मैं सुनाऊं दिखाऊं तो जालौर का ये क्षेत्र है जालौर का, ध्यानपूर्वक समझना इसको, रटने की कोशिश मत करना। ये जालौर है, ये आपका मैप दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा है, तो ये जालौर का क्षेत्र है। अब जालौर में कच्छ और बनासकांठा दो जो जिले हैं गुजरात के वो लगते हैं। तो जालौर में वापस ध्यानपूर्वक देखना, कच्छ और बनासकांठा, तो याद रख लेना इसको, कच्छ और बनासकांठा, एक कच्छ जिला लगता है और दूसरा लगता है बनासकांठा। कच्छ प्लस बनासकांठा, ठीक है भाई, लिख लेना, याद कर लेना। तीसरा जो जिला आता है, ध्यानपूर्वक मैप को देखते देखते करेंगे, तीसरा जिला आता है सिरोही, और सिरोही में टोटल बनासकांठा लगता है। तीसरा है सिरोही, और सिरोही में टोटल लगता है जो है वो है बनासकांठा, ठीक है, बनासकांठा। चौथा जो जिला आता है आपको पता है उदयपुर, ये उदयपुर है, उदयपुर का जो लगने वाली सीमा है ये उदयपुर दिख रहा है, उदयपुर में लगता है केवल और केवल साबरकांठा, आपको याद रख लेना है उदयपुर, और यहीं से सवाल आया हुआ है उदयपुर, ये है साबरकांठा, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किया है मैंने, तो साबरकांठा है। पांचवा जो जिला है, पांचवा जिला उदयपुर के बाद में आप देखोगे तो ये पड़ता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर में दो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं गुजरात के, एक अरावली लगता है और एक माही सागर। तो आप देखोगे जो डूंगरपुर है उसमें दो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ये आया वापस देख लेना डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट आया, और छठा लिख देता हूं मैं पहले डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप किसी भी तरीके से रट लेना चाहिए।
तो देखो वापस देखें, बाड़मेर केवल कच्छ क्षेत्र लगता है, जालोर में कच्छ का क्षेत्र थोड़ा सा लगता है और बनासकांठा लगता है, सिरोही में बनासकांठा लगता है, उदयपुर में साबरकांठा लगता है। अब डूंगरपुर की मैं बात करूं तो डूंगरपुर में जो अगला जो जिला मैंने बताया था, एक अरावली और एक माही सागर, तो अरावली और माही सागर यहां लगते हैं, अरावली और माही सागर ये जो है दो वो लगते हैं डूंगरपुर से, और लास्ट में जो है बांसवाड़ा है उसमें लगता है दाऊद। तो देखो छह जिलों की हमने बात की, ये राजस्थान की जिला पहला जिला या बाड़मेर, दूसरा जालोर, तीसरा सिरोही, चौथा उदयपुर, पांचवा डूंगरपुर, छठा बांसवाड़ा। तो छह जिले राजस्थान के, और इधर देखोगे आप तो छह जिले ही किसके लगेंगे, छह जिले लगेंगे आपके गुजरात के। तो गुजरात में जो पहला बाड़मेर है तो उसमें आप ध्यान रखना कच्छ का क्षेत्र लगता है, दूसरा जो जालोर आता है उसमें कच्छ और बनासकांठा दो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, सिरोही है उसमें केवल और केवल बनासकांठा लगता है, उदयपुर में है साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट लगता है, डूंगरपुर में है अरावली और माही सागर जो दो डिस्ट्रिक्ट है वो लगते हैं, और बांसवाड़ा जो लास्ट है वो है दाऊद। इस प्रकार साबरकांठा सबसे ज्यादा लगता है, देखो आप देखोगे तो साबरकांठा काफी बड़ी दूर में लगता है, ध्यानपूर्वक देखना, बनासकांठा सबसे ज्यादा लंबी दूरी में। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गुजरात का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में राजस्थान के टच होता है, तो उत्तर आएगा बनासकांठा। क्या उत्तर आएगा? बनासकांठा। तो कुछ सवाल देखो बनेंगे, अभी मैं वापस रिपीट कराता हूं, बनासकांठा। अब देखो यहां से सवाल बनते हैं, पहला सवाल बनता है इसकी लंबाई, राजस्थान और गुजरात बॉर्डर की लंबाई। तो यहां मैंने आपको पहले पॉइंट में मैंने आपको बताई थी कि राजस्थान और गुजरात बॉर्डर की लंबाई जो है 1022 किलोमीटर होगी, 1070 किलोमीटर की कल हमने चर्चा की थी, राजस्थान और गुजरात बॉर्डर की लंबाई है 1022 किलोमीटर, पहला सवाल निकल कर आता है। दूसरा सवाल आता है राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात बॉर्डर पर लगती है, तो छह जिले हैं। बाड़मेर से स्टार्ट करना, बाड़मेर आएगा, जालोर आएगा, सिरोही आएगा, उदयपुर आएगा, डूंगरपुर आएगा और बांसवाड़ा आएगा। इस प्रकार छह डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान के टच होते हैं, ये बाड़मेर आया, ये जालोर आया, ये सिरोही आया, ये उदयपुर आया, ये डूंगरपुर आया, ये बांसवाड़ा, छह जिले राजस्थान के। इसके अलावा गुजरात के भी छह जिले हैं वो राजस्थान के टच करते हैं। गुजरात के छह जिले कौन कौन से हैं? पहला आएगा कच्छ का जो है वो आएगा, दूसरा है बनासकांठा, तीसरा साबरकांठा। देखो आपको आपस में बता दूं, देखो कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माही और दाऊद, इस प्रकार छह जिले जो है वो गुजरात के हैं। अब मैं अलग अलग बात वापस करूं, सबसे ज्यादा जो क्षेत्र लगता है वो है बनासकांठा का जो जिला है वो राजस्थान के सबसे ज्यादा लगता है। इधर मैं जालोर बाड़मेर की बात करूं तो एक ही जिला लगता है वो है कच्छ, दूसरा जालोर की मैं बात करूं तो जालोर में बनासकांठा और कच्छ जो है वो, देखो जालोर में लगता है बनासकांठा और कच्छ का क्षेत्र, सिरोही में बनासकांठा केवल, उदयपुर में साबरकांठा याद रख लेना, डूंगरपुर में अरावली और माही सागर, और बांसवाड़ा में दाऊद। इस प्रकार छह जिले हैं, और यहीं से एग्जाम में छोटे छोटे सवाल निकल कर आते। तो गुजरात बॉर्डर की हमने छोटे से वीडियो में हमने चर्चा की, जो महत्वपूर्ण याद रखने वाली है उनको लिख लेना, राइट डाउन कर लेना, रट लेना, महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बॉर्डर की, हम यात्रा पे जाएंगे जहां मध्य प्रदेश की तरफ से भी जिलों की बात करेंगे, राजस्थान में कितनी लंबाई है, कौन कौन से सवाल कहाँ कहाँ से बनकर आते हैं। तो जो नए चैनल पे है वो इतनी मेहनत का, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एक नए वीडियो जिसमें मध्य प्रदेश की और राजस्थान बॉर्डर की बात होगी वो लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।